लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हमको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर, एक क्रिकेट टीम है 11 प्लेयर की, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन में तुम लोग को बनाने के लिए बोलने वाला हूँ, इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम टू ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग 6 एंड 8 प्लेयर। अच्छा पहले समझो, हिंदी में 11 प्लेयर्स की टीम सिलेक्ट करनी है जिस दो ग्रुप से, एक 6 का ग्रुप है एक 8 का ग्रुप है, आगे देखते हैं रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन बी मेड ऑन द सपोजिशन दैट द ग्रुप, मतलब सपोज कर रहे हैं दैट द ग्रुप ऑफ 6 शैल कंट्रीब्यूट नो फ्यूअर देन 4 प्लेयर। बोल रहा है कैसे आप 11 प्लेयर की टीम बना सकते हो जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 6 प्लेयर वाला ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, इसमें से कम एटलीस्ट 4 प्लेयर आएंगे। मतलब एटलीस्ट 4 बोल रहा है तो इसका मतलब ये है 4, 5, 6 पूरे भी आ सकते हैं। क्या ये बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन हमको, बोलो। हाँ तो ये क्वेश्चन बनेगा कि बताओ, हाँ वन अ हाँ ट्राई भैया, बोलो। देखो दो ऑप्शन है, या तो वन अ ट्राई बोलो या तो वन अ डाई बोलो। अच्छा आ आ गया, गया है वही तो तू लॉ पढ़, कल टेस्ट था, लॉ पढ़ना छोड़ के तू मैथ्स बना रही थी क्या? ना वही ना। सुनना, तेरे जैसे नहीं है, 15 घंटे का आउटपुट देती वो एक दिन में। अब देखना, अभी एक बोलेगी, पता कितना देती अभी हूँ मत बोले, बताओ, अभी मैं एक बोलेगी पता नहीं देती, कितना अभी देती हूँ बोलेगी मत नहीं देती, बताओ आप, झूठ बोलेगी। नहीं देखना देती तो टॉपर है भैया, मैं एक पता है ना, सच वही क्यों देती बताएगी? मैं तुम्हें एक पता है ना, देखो 6 में से, कुछ बोल ही नहीं रही, मेरी हर बात झूठी लगनी है आपको। हर बात देखो झूठी लगनी है 6 में से आपको 4 निकालना है तो 8 में से कितना निकालू? अब मोना ही बताएगी पूरा, 8 में से कितना निकालू? यस, फिर प्लस सात 6 में से कितना निकालू? पांच और 8 में से 6, हाँ, पांच फिर और 8 में से 6, छह में से कितना निकालू? 6 में से 6 और 8 में से 5, छह निकालेंगे, छह यस, में से अब इसको छह सॉल्व और करो, आठ तो में मेरे से को भी पांच पता है। एटलीस्ट 4 बोला था, इसलिए या तो 4 या उससे ज्यादा 5 या उससे ज्यादा 6 निकालेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बताओ यार जल्दी जल्दी। 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6 1 5 8 6 2 6। अच्छा ये तो 1 ही हो जाता है, 8 3 5। बताओ रे नालायक को, जल्दी बताओ। तुम लोगों को पता नहीं इस संडे को क्या है? बोलो इस संडे को क्या है आने वाले? हाँ छुट्टी है, सही बात है, नहीं छुट्टी, सच बोली, लेकिन मेरे मन की बात समझ गए तुम लोग। इस संडे को तुम्हारी छुट्टी है, लेकिन रेगुलर क्लास से तुम्हारा कंप्लीट मैथ्स पोर्शन का फर्स्ट टेस्ट है, हो गया। चैप्टर वाइज के दिन अब खत्म। हाँ अब चैप्टर वाइज के सुहाने दिन खत्म, कंप्लीट मैथ्स पोर्शन का फर्स्ट टेस्ट है तुम्हारा। अब ये फर्स्ट टेस्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसे बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं, एज यू ऑल नो मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ टेस्ट के मामले में, तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं। तो तुम्हारा पहला पहली बार 40 मार्क्स का कंप्लीट मैथ्स का टेस्ट होगा, जिसमें यू ऑल्सो हैव ऑप्शन। अभी तक के जितने भी चैप्टर वाइज टेस्ट हुए, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं थे, सारे क्वेश्चन कंपलसरी थे सॉल्व करना। अब से तुम्हारे पास ऑप्शन भी रहेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो 40 मार्क्स का, तो इसलिए मैं मंडे को बता दिया, ताकि अभी तुम्हारे पास संडे तक का टाइम है। बेटा स्टार्ट कर दो रिवीजन। अब चाहे तुमको यूट्यूब का वीडियो देखना है 1.5 की स्पीड में, या तुमको अपनी कॉपी के नोट्स यूज करने हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। ठीक है, बस ये बोलूंगा लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है? क्योंकि मैं तुमको लिखने की टेक्निक सिखाया हूँ कि कैसे प्रेजेंट करते हैं आंसर को एग्जाम में, ताकि तुमको फुल मार्क्स मिले, तो उसको जरूर फॉलोअप कर लेना। इसका आंसर आया क्या बताओ जल्दी? कैलकुलेटर में निकालने में तुमको इतना देर लगता है? ये हो जाएगा 6 इंटू 5, 2 3 द 6, 5 3 द 15, इंटू 8 इंटू 7, ये हो जाएगा 8, प्लस 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 6, इंटू 8 इंटू 7, 2 4 जाएगा 7, 4 जाएगा 28,
प्लस 1 × 8 × 7 × 6 यस 56 ये हो 56 जाएगा 56 प्लस 28 × 6 ये हो जाएगा 168 प्लस ये हो जाएगा 15 × 8 ये हो जाएगा 120 120 प्लस 168 प्लस 56 344 खत्म बात 344 यस 344 मच टाइम ये सब चीजों में कैलकुलेटर उठाए करो और सीधा कैलकुलेटर भी नहीं है तो ओरल कैलकुलेशन वाला था खैर छोड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया सिक्स वाला बोल रहा है देयर आर फाइव क्वेश्चंस इन ग्रुप ए फाइव इन ग्रुप बी एंड थ्री इन ग्रुप सी बोल रहा है ग्रुप ए में पांच क्वेश्चन है ग्रुप बी में वही पांच क्वेश्चन है और ग्रुप सी में तीन क्वेश्चन है बोल रहा है हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट सिक्स क्वेश्चंस टेकिंग थ्री फ्रॉम ग्रुप ए टू फ्रॉम ग्रुप बी वन अच्छा ये वाला तो बता दिया कोई कंडीशन नहीं दिया बोल रहा है तीन तीन ग्रुप ए से उठाओ दो ग्रुप बी से उठाओ और सी एक ग्रुप सी से उठाओ टोटल छह क्वेश्चन उठाने और छह के छह तो बता दिया है तो पांच पांच और तीन है पांच है ग्रुप ए में पांच है ग्रुप बी में और तीन है ग्रुप सी में इसमें से मेरे को ग्रुप ए में से तीन उठाना है ग्रुप बी में से दो उठाना है और ग्रुप सी में से एक उठाना है ठीक है तो तीन दो एक ऐसा तो इसको सॉल्व कर देंगे बस हो जाएगा 5 × 2 × 3 × 5 × 3 × 2 × 3 × 1 × 2 × 5 × 4 2 × 2 = 4 10 × 10 × 3 300 खत्म यही आंसर ठीक है समझ में आई क्या बात पहले ये बताओ समझ में आया क्या बोला डायरेक्ट क्वेश्चन था क्या हाँ भैया हाँ इसका 180 का है आ रहा आंसर बुक में ना बहुत 300 होगा इसका आंसर बुक में गलत दिया है हाँ नेक्स्ट देखो अ क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स ए बी सी कंटेनिंग 4, 5 और 3 क्वेश्चन अब बोल रहा है ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन है 4 ग्रुप बी में कितने हैं 5 ग्रुप सी में कितने हैं 3 तो 4, 5 और 3 क्वेश्चन है रिस्पेक्टिवली बोल रहा है एन एग्जामिनी एग्जामिनी मतलब जो एग्जाम देने जाते हैं इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 क्वेश्चन फिर से 6 क्वेश्चन देना है कोई कंडीशन लगाएगा पक्का एटलीस्ट बोल रहा है टेकिंग एटलीस्ट 2 from A, 2 from B and 1 from C बोल रहा है कम से कम 2 A से उठाएगा कम से कम 2 B से उठाएगा और कम से कम 1 C से उठाएगा तो मतलब 2, 2 और 1 से वो ज्यादा भी उठा सकता है पहले समझो 4, 5, 3 देखो ए बी सी 4, 5, 3 ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चन है बोल रहा है एटलीस्ट शब्द का प्रयोग कर दिया है 2, 2 और 1 हर जगह से उठाना है ये वाला क्वेश्चन बना है किसी को बोलो ट्राई नहीं किया है पर बन जाएगा मे बी नॉट येट ट्राइड देखो नहीं ये वाला नहीं करूं मैं अच्छा चलो मैं ही बता नहीं ये वाला नहीं करी देखो मैं तुम लोग को बन जाएगा इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ क्या तुम लोग बहुत टाइम पास करते हो जानबूझ के फिर देखो 4 में से at least 2 उठाना है मतलब 3 भी उठा सकता हूँ 5 में से 2 उठाना है मतलब 3 भी उठा सकता हूँ ठीक है और 3 में से 1 उठाना है मतलब 2 भी उठा सकता हूँ मतलब 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा भी उठाया जा सकता है तो सबसे पहले ऐसे ही करते हैं एक काम करते हैं 4C3 ले लेता हूँ ठीक है 4C3 मतलब ए वाला जो ग्रुप है उसमें से एक ज्यादा ले लिया इंटू अब बी से सिर्फ 2 ही उठा पाऊंगा क्यों क्योंकि मेरे को टोटल 6 क्वेश्चन चाहिए यहां से 2 यहां से 1 यहां से मैं 3 ले चुका हूं यहां से मैं 3 ले चुका हूं तो सिर्फ यहां से 2 और 1 ही ले सकता हूं ठीक है तो ये हो जाएगा 3C1 प्लस दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है अब ए से तो सिर्फ 2 ही उठाऊंगा लेकिन अब बी से 3 उठा लूंगा ठीक है तो 5C3 × 3C1 तुमको ये भी ध्यान रखना है ना कि टोटल सिर्फ 6 ही क्वेश्चन होने चाहिए ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 ही क्वेश्चन होने चाहिए जो तुमको अटेम्प्ट करने हैं तीसरा तरीका क्या हो सकता है तीसरा ये हो सकता है कि मैं इसमें से 2 ही उठाऊं इसमें से भी 2 ही उठाऊं लेकिन सी वाले ग्रुप से भी 2 क्वेश्चन ले लूं फिर ठीक है तो ये एटलीस्ट वाली कंडीशन तीनों में सेटिस्फाई होगी भैया वो 4C2 है अच्छा हाँ हाँ 4C2 5C2 ठीक है 3C2 तो कंडीशन ये थी कि मेरे को एटलीस्ट जो मिनिमम दिया है 2, 2 और 1 उससे वो उठाना है मतलब उससे ज्यादा उठा सकता था लेकिन यहाँ पर मैं 3 से भी ज्यादा नहीं उठा सकता था एक बार
क्यों? क्योंकि मेरे को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 चाहिए, तो यहाँ पर अगर ये एक दो उठा ले रहा था और यहाँ एक उठा ले रहा था तो इधर मैं 3 से ज्यादा नहीं उठा सकता, और अगर यहाँ पर एक दो और एक दो उठा ले रहा था तो यहाँ मैं 2 से ज्यादा नहीं उठा सकता था, और यहाँ पर और यहाँ पर 3 उठा ले रहा था तो मैं यहाँ पर 3 से ज्यादा नहीं उठा सकता। तो बस क्वेश्चन यहीं पर समाप्त है। अगर ऐसा मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 के रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहता तो अभी ये क्वेश्चन इन्फाइनाइट तक निकल गया रहता आराम से, इनफाइनाइट नहीं मतलब बहुत लंबा निकल गया रहता। चलो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो जो कि 4 आता है, इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कितना आता है 5 × 4 2 2 4 5 2 10 आता है, इंटू 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 3 प्लस प्लस 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 2 3 2 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 5 × 4 और 2 2 4 5 2 10 इंटू 3 फैक्टोरियल का तो हमको पता है 3 होता है, प्लस 4c2 का 6 आता है, 5c2 का 10 आता है, इंटू डायरेक्ट लिख दे रहा मैं यहाँ पर तुम लोग कर लेना सॉल्व, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4c12 120, 6c18 180, 6c18 180, कितना हो गया ये 300 400 480, हाँ 480 इसका आंसर है। क्लियर हुई क्या बात? हाँ भैया भैया। यस, तो क्वेश्चन मजा आता है। हाँ भैया भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन चूज वन और मोर ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्राम, एक या उससे ज्यादा सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, 4c1 + 4c2 + 4c3 + 4c4, या तो एक ले या तो कुछ भी एक खरीदेगा, प्लस और वाला ऑप्शन, या तो 2 खरीद लेगा, या तो 3 खरीद लेगा, या तो 4 खरीद लेगा, तो इसको निकाल लो। 4c1 कितना होता है? 4 होता है। 4c2 कितना होता है? 4 × 3 = 6 होता है। 4c3 8 होता है ना? 6 नहीं, 4 होता है, और 4c4 4 होता है, 1 होता है, तो 10 15 आ गया, 1 15 तरीके से, ठीक है, क्लियर हुई क्या बात? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज 15 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 5 6, ये सेम क्वेश्चन है, तुमको याद है? हाँ। ये क्वेश्चन करके आए हैं एक्सरसाइज उसमें, हाँ। सॉल्व वाले में सेम क्वेश्चन है, ये रिपीटेड हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। अब बोल रहा है आउट ऑफ द 10 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवल्स, बोल रहा है 10 कॉन्सोनेंट्स और 5 वॉवल्स है, ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, एक मिनट, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ईच कंसिस्टिंग 3 कॉन्सोनेंट्स 2 वॉवल्स, ठीक है, 10c3 लेना है, 5c2 लेना है, कितने वर्ड्स बना सकते हैं बोल रहे हैं, तो 10c3 × 5c2 मतलब 5 लेटर्स का कितने वर्ड्स बन सकते हैं ये पूछा था मेरे से, जिसमें वो बोला अगर 10 कॉन्सोनेंट्स है तो उसमें से 3 लेना है, 5 वॉवल्स है उसमें से 2 लेना है, समझ में आई बात? बोलो। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 / 3 × 2, पूरा मिला कि पूरा मिला के 1200, मतलब ये 120 आ रहा है पूरा मिला के, ऐसा ही है ना? हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। अब देखो, अब ये 1200 आ गया, अब तुम एक बात बताओ मेरे को, फाइव लेटर्स क्या 5p5 वेज में वर्ड्स बनाते हैं, यानी कि 5 फैक्टोरियल तरीके से? हाँ, तो हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 रिपीटेशन, हाँ। वो क्या नाम है, विद और विदाउट मीनिंग, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 120 120 अलग अलग तरीके का यहाँ पर जंपिंग हो सकता है, मतलब इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, क्योंकि मेरे को वर्ड्स बनाना है, तो इस क्वेश्चन में वो बोला था मेरे को सिलेक्ट करना है, प्लस मेरे को उसको
अरेंज भी करना है क्योंकि मेरे को वर्ड्स बनाना है. वो पूछा हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड. क्वेश्चन को समझो, पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जो बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, मतलब तुमसे परम्यूटेशन पूछ रहा था. पर सिलेक्शन के बाद पहले बोला कॉन्सोनेंट्स में से तीन, वॉवेल्स में से दो सिलेक्ट करो, तो बोला पहले कॉम्बिनेशन लगाओ फिर बोला अरेंजमेंट लगाओ. तो ऐसे वैसे तो तुम एक बात बताओ, तुम ये क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ते ना तो तुमको ये समझ में आता कि सिलेक्ट करने बोला तब ये कॉम्बिनेशन है, पर जब तुमको बोला हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म तो तुमको परम्यूटेशन की याद नहीं आई कि परम्यूटेशन भी ऐसे ही बोलता था हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म. तो ये हो जाएगा 1200 तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इंटू 120 तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ. तो ये हो जाएगा 144,000 वेज यानी वर्ड्स. समझ में आई बात? बोलो समझ में आया क्या? हाँ भैया. और बाकी दोनों नहीं घुसा दिमाग में? हाँ भैया. आ गया ना? हाँ भैया आया. ठीक है चलो, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं. सारे क्वेश्चन में कोई एक भी क्वेश्चन दिमाग वाला नहीं दिख रहा है, सब सॉल्विंग वाला दिख रहा है. सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, खुद निकालो ये सब के आंसर और फिर जो नहीं बनेगा मेरे से पूछना. पहला क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन तुमको दिख रहा होगा, ये देखो ये है पहला क्वेश्चन, इसको करो सॉल्व. ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. मेरे लाइव क्लास के बच्चे जा चुके हैं क्योंकि उनके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और लाइट नहीं थी, चले गई थी, इस वजह से आगे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई. पर मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप लोग भी जहाँ जहाँ वो लोग फंसे थे वहाँ वहाँ आप लोग भी जरूर फंसे होंगे. एनीवेज एक और चीज़ है यहाँ पर, देखो मेरा सी इंस्टीट्यूट से अभी भी सर्टिफिकेट आया है कि फाइनली आई कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड आई एम एलिजिबल टू अपियर इन फाइनल एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय आर्टिकलशिप. ये अभी अभी आया, देखो सी इंस्टीट्यूट पैक वैक करके अच्छे से भेजे थे लिफाफे में. मैं इसका अनबॉक्सिंग कर दिया और ये अनबॉक्सिंग भी नहीं दिखा पाया. अनबॉक्सिंग नहीं, इसको लिफाफा खोलना बोलते थोड़ा सा. ठीक है तो चलो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी. ये वाला क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन, बेटा वन और टू स्टेप में करना है सॉल्व. तो आपको ना दिमाग नहीं चलाना, मतलब यहाँ पर आपको अपने पेन नहीं चलाना है, यहाँ आपको अपना दिमाग चलाना है. बोल रहा है 18 CR और 18 CR+2, 18 CR, 18 CR+2 बोला. ठीक है तो इसका मतलब ये है इधर वाला आज जो उधर होगा R+2 होगा. तो बेटा देखो इसका आंसर तो हमने निकाला है 8, तो ये 18C8 इज इक्वल टू 18C8+2 10 होने वाला है. ठीक है और ये इक्वल भी आता है, चेक कर सकते हो. रही बात ये निकला कैसे, निकला ये ऐसे कि हमने ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको प्रॉपर्टी दिखा देते हैं. वेयर इज द प्रॉपर्टी, हियर इज द प्रॉपर्टी. ये देखो NCR हमने पढ़ा था, NCR इज इक्वल टू NC(n-r) होता है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी. तो यहाँ पर मेरे को दोनों जगह 18 18 दिया था, 18 18 दिया था. ठीक है तो मैंने n की जगह 18 18 डाल दिया. अब यहाँ पर देखो n ये है n और यहाँ पर n-r होता है, तो मैं इसको 18-r भी लिख सकता हूँ. और मेरे को इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, यहाँ पर इसके जगह कुछ और लिखा हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इसके जगह R+2 लिखा हुआ है. देखो क्वेश्चन में इसके जगह R+2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको 18-r इज इक्वल टू R+2 ले लिया. इसी को सॉल्व किया तो R इज इक्वल टू 8 आया. एक्सक्यूज मी. ठीक है तो इसी को सॉल्व किया तो R+2 आया. तो ये प्रॉपर्टी से बना ही वाला क्वेश्चन, इसलिए आंसर वन और टू स्टेप्स में था. ठीक है क्लियर हो गई होगी बात. इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है NPR इज इक्वल टू 336 और NCR इज इक्वल टू 56. देखो ये वाला तो खैर उनको बन गया था, आपको बता देता हूँ. NPR इज इक्वल टू 336, NCR इज इक्वल टू 56, यही है क्वेश्चन. 336, 56. हाँ तो इसको हम करते हैं सॉल्व, हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336. ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56. तो इधर से n-r की वैल्यू हम इधर से निकाल के डाल देते हैं. तो इधर से अगर मैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 56 इसको इधर ले आया और n-r को इधर ऊपर भेज दिया, n-r फैक्टोरियल, तो n-r फैक्टोरियल की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दिया. तो इसको अब इधर डालूंगा, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 56 इज इक्वल टू 336. ठीक है तो यहाँ पर n और n कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा r फैक्टोरियल 56
इज इक्वल टू 336, ठीक है, ये हो जाएगा आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाय 56, 336 डिवाइड बाय 56, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, आर सॉरी 6 हो गया। तो आर फैक्टोरियल अगर 6 आ रहा है, इसका मतलब आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, इसका मतलब आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब आर इज इक्वल टू क्या है, 3 है। अगर r की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यू निकालने बोला था, कहीं पर भी डाल दो, यहाँ पर डाल दो और n की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, इतना काम तो आप करोगे, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है 2nC3 और nC2 इज इक्वल टू 44:3 है, 2nC3 nC2 इज इक्वल टू 44/3 है, ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, 2n-2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 43। बस मैं इसका फॉर्मूला लगा के अभी खोला हूँ, अभी सिर्फ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया हूँ, अब करूँगा आगे सॉल्व, तो हो जाएगा 2n-1 2n-2 2n-3 फैक्टोरियल, यहाँ पे रोक दूंगा, ये है 2n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएगा, अपॉन n n-1 n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसको आगे करते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा 2n 2n-1, अब यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ तो ये n-1 हो जाएगा, अपॉन 3 × 2 × 1, ठीक है, 3 फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर दिया, अपॉन ये हो जाएगा n n-1 2 × 1, 2 फैक्टोरियल को भी ओपन कर दिया, इज इक्वल टू में 44/3 साइड बाय साइड चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो, ये वाला 2 इससे इंटू हो जाएगा और ये हो जाएगा 4n, फिर है 2n-1 n-1, अब ये वाला 2 जाएगा ऊपर इंटू होने और ये लोग जाएंगे यहाँ इंटू होने, जैसा कि आपको पता है एकदम ग्राउंड के ग्राउंड फ्लोर वाला ऊपर चला जाता है और ये इसके साथ चला जाता है, तो यहाँ पर ये इंटू 2 ऊपर आ गया, ऊपर भेज दिया, अपॉन ये हो जाएगा 3×2=6 n n-1, ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये n और n कट जाएगा, ये 2×1=2 2×3=6 हो 3×3=6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, ये n-1 n-1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2n-1 इज इक्वल टू 44/3। अब इसको काटते हैं, 3 और 3 कट जाएगा, 4 11 था, तो 2n-1 इज इक्वल टू 11, 2n इज इक्वल टू 11+2, तो n इज इक्वल टू 12, सॉरी 11+1 12/2, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया आंसर, बात खत्म, ठीक है, n इज इक्वल टू 6 आ गया हमारा आंसर, क्लियर होगा आपको, इसको नोट डाउन कर लेना पॉज कर करके वीडियो, ठीक है। अच्छा, जब जब मैं क्लास में बोलता हूँ ना वीडियो पॉज करो, चलो तुम लोग बनाओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग उस टाइम पे वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करो, सिंपल, ठीक है, उस टाइम पे तुमको वीडियो पॉज करके बनाना है। ये वाला क्वेश्चन गलत है, यहाँ जितने जगह पी है वहाँ आप सी डाल दो, सी डाल दो और सी डाल दो, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में सी 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 डाल दो, ये सी और ये सी, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बना, शायद इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में बोला RC12 RC8 22 RC, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगी थी, तो हमने ऊपर लगाई थी, तो उस प्रॉपर्टी से R की वैल्यू 20 आ गई थी, R की वैल्यू 20 आ गई थी, तो ये हो गया था 20C12 इज इक्वल टू 20C8। बेटा ये तो देख के भी निकाल सकते हो, देख के भी निकाल सकते हो, कैसे, देखो अगर तुमको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुमको पता है अगर आप ऊपर 20 डाल दोगे तो नीचे 20/12 8 फैक्टोरियल आ जाएगा और इधर भी 20/8/12 आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो वाली वो वाली प्रॉपर्टी जो मैं अभी बताया थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करके R की वैल्यू 20 आ गई, R की वैल्यू 20 आ गई। अब उस R की वैल्यू को यहाँ पर डाल दोगे तो तुम्हारा आंसर आया था 231, यस 231 आया था, ठीक है। तो ऐसे करना, प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पर लगानी है, उसके अलावा मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि 1 और 2 साइड लाइन में आंसर लाना था, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, n की वैल्यू डाल के निकाल सकते हो, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई थी, आई थिंक यहाँ तो 20 आएगी, ये तो सेम हो गया, जो ऊपर अभी क्वेश्चन किए वही हो गया सेम, 20 आई थी, यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 आई थी, n की वैल्यू डाल के देखो बस, ठीक है, जहाँ जहाँ पर खाली है ना ब्लैंक फिगर वहाँ पर n की, यहाँ पर r खाली है, r में वैल्यू डाल के देखो, कैलकुलेटर से धड़ाधड़ तुमको सॉल्व करना है, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पर आई थी r की वैल्यू,
आई थिंक 6 आई थी, नहीं 5 आई थी, यहाँ पर 5 आई थी वैल्यू। आर की वैल्यू बस आपको डाल डाल के देखना है, यहाँ पर एन की वैल्यू डाल के देखना है, यहाँ पर आर की वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। एक और चीज बता रहा हूँ, 11:5 लिखा है, मतलब कुछ तो भी आर जो है वो ऑड नंबर में था, आर ऑड नंबर में था, इसका मतलब हम 5 और 7 डाल के देखेंगे। तो पहले बच्चे 5 डाल के देखे तो उनका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको करना है सॉल्व। उसके अलावा एक अ मैन है 6 फ्रेंड, उसके पास 6 फ्रेंड है, द टोटल नंबर ऑफ वेज सो डेट ही कैन इनवाइट वन और मोर फ्रेंड। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वाला क्वेश्चन था ना कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस परचेस कर सकता है, वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6, मतलब वो एक से ज्यादा फ्रेंड्स, मतलब एटलीस्ट वन है, मतलब वो एक को बुलाए, दो को, तीन को, चार को, पांच को, छह को, तो ये सब प्लस प्लस में सब प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर आया था, बता देता हूँ, इसका आया था 6 15 6 15 20 15 6 1, तो ये आया था 15 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 1, 63 इसका आंसर आया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और फिर बोल रहा है एवरीबॉडी इन अ रूम शेक हैंड विद ईच अदर, तो और अगर अवर पूरे टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक 66 है तो नंबर ऑफ पीपल वहां कितने थे, लोग कितने थे वहां पर, अगर टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड जो है वो 66 है। तो मैं शेक हैंड्स का फॉर्मूला बताया था, NC2 होता है, तो NC2 66 बोल रहा है, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66 बोल रहा है। तो ये हो जाएगा n, n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66 इंटू 2 इंटू 1, इसको उधर भेज दिया तो ये और ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा n, n माइनस 1 इज इक्वल टू 66, ठीक है। अब देखो, अब या तो तुम कर लो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पूरा खोल के, और या तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है, कि किस दो टर्म में इसको तोड़े। तो 66 कैसे आता है बताओ, कोई भी कंपोजिट नंबर लो एक साथ में, तो 66 का एलसीएम निकाल के देखते हैं। इलेवन टू जा 22, इलेवन थ्री जा 33, नहीं ऐसे तो नहीं आएगा, और कैसे आ जाएगा, 12 और 66 को तोड़ना है तो ये हो जाएगा 1 मिनट, चलो इसको ओपन करके देखते हैं। ट्वेल्व इंटू 13 कितना होता है, 156, 11 इंटू 12 1 मिनट, शायद कुछ गलती हो गई इधर, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो n n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, अच्छा हाँ 66 इंटू 2 नहीं किया, ओके इसीलिए नहीं आ रहा है, 66 इंटू 2 132, तो ये हो जाएगा 11 और 12, 11 और 12 में टूटेगा ये, तो ये हो जाएगा n, n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 12, तो एक को 11 से इक्वेट कर लो, n इज इक्वल टू 12, n माइनस 1 इज इक्वल टू 11, तो n इज इक्वल टू 12, तो अल्टीमेटली n इज इक्वल टू 12 आंसर आया। तो 12 लोग हैं, 12 लोग हैं रूम के अंदर जो हैंड शेक करेंगे, तो 66 हैंड शेक होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लास ओवर कर दी थी बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन, ठीक है। तो हम लोग कल आगे का पोर्शन खत्म करेंगे, हम लोग कॉम्बिनेशन सेट्स थ्योरी चालू करने वाले हैं, बहुत जल्दी अकाउंट्स की वीडियो आपको दिखने वाली है हमारे चैनल में, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, अकाउंट्स की वीडियो दिखेगी बहुत जल्दी, ऐसी दिखेगी इफेक्टिव वीडियो, बहुत क्वालिटी वीडियो दिखेगी, कोई भी हल्का माल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।